हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गुंजन। आज मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं दूल्हा और दुल्हन दोनों की रस्मों को शेयर करने वाली हूँ, हल्दी की दोनों की रस्मों को शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। उसके बाद कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि दोनों भाई में से किसकी शादी है, तो मैं बता दूं कि जिसकी मैं पगड़ी तैयार कर रही हूँ, ये छोटा भाई है मटकोर के बाद, ये कथा पे बैठा हुआ था। आगे फ्रंट में जो दिख रहा है, जो आपको हाई कर रहा है, ये बड़ा भाई है, इसकी शादी है, तो आप इसको बेस्ट विशेज जरूर दीजिए। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि पंडित जी आ चुके हैं, पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी है, यानी कि हल्दी अब होने ही वाली है बस। और यहाँ पे बाबू बैठा हुआ है, ये भी देख रहा है। और चलिए अब देखते हैं राहुल, मम्मी तो इससे पहले कि भाई को हल्दी लगे, हम चलते हैं दुल्हन के पास कि दुल्हन ने क्या ड्रेसअप किया है और कैसी लग रही है, कैसी वहाँ की हल्दी हो रही है। तो दुल्हन ने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है और फूलों के जो सेट आते हैं फ्लावर्स के, वो उन्होंने डाला हुआ है, बहुत प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पर हल्दी स्टार्ट हो गई है, हल्दी चढ़ी है, उनके भाई जो है सबसे पहले हल्दी चढ़ा रहे हैं उन्हें, यानी कि वो पांच लोग करते हैं और इस तरह से पहले पैरों पे, फिर घुटनों पे, फिर कंधे पे, फिर सर पे रख के ऐसे हल्दी को वहाँ पे डाल देते हैं। तो इस तरह से करते हैं। दुल्हन को आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही हैं। आप ज़रूर बताइए कि दुल्हन आपको कैसी लगी हल्दी की रस्म। वैसे तो बहुत सारा मेकअप यहाँ पर नहीं है क्योंकि हल्दी लगने वाली है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट, तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पे हल्दी की रस्म हो रही है, अब इनकी बारी ख़त्म हो गई है, तो अब दूसरा कोई आएगा, यानी कि इनके दूसरे भाई आने वाले हैं, तो वहाँ पे वो आएंगे, फिर रस्म करेंगे। तो हर जगह जो होती है ना, इसी तरह की रस्में होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्दी की रस्म जो, और इस तरह से मैं सारी वीडियोज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ, दुल्हन के घर की भी और दूल्हा के घर की भी। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको पूरा इन्जॉय मिल सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बांस में जो माड़ो बनता है, वो वहाँ पे लगा हुआ है, बांस डाल के यहाँ पे बकेट में करके डाला हुआ है। और यहाँ पे दूसरे भाई उनके आ चुके हैं और वो वहाँ पे हल्दी चढ़ा रहे हैं उनको। और यहाँ पे हल्दी चढ़ाने का मतलब होता है कि एक तरह का शगुन होता है, यहाँ से अब शादी की बस रस्में बाकी रह जाती हैं हल्दी के बाद। तो इसके बाद मैं बस शादी की ही वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, यानी कि बारात जो निकलती है और दूल्हा जो तैयार होते हैं, वो सभी वीडियोस शेयर करने वाली हूँ और दुल्हन की भी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि मैं दुल्हन की भी वीडियो जिसमें बीच में डाल रही हूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं आगे भी कुछ वीडियोज़ इसमें शेयर करूँगी, डालूँगी। तो ये थी हल्दी की रस्म में दुल्हन कैसे तैयार हुई है। और यहाँ पर वापस हम आ गए हैं दूल्हे के घर, यानी कि हमारे घर पे। और यहाँ पे भी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, मेरे मौसा जी हैं, यहाँ पे पापा जी हैं, पीछे में मेरी सिस्टर आपको दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ जो सब लोगों ने येलो ही पहना हुआ है मोस्टली, और मेरी जो कज़न सिस्टर हैं उन्होंने भी येलो और ग्रीन का शेड पहना है। पीछे में भाई दिख रहा है मेरा। और यहाँ पे सब लोग तैयार हैं, सारे लोग आ चुके हैं क्योंकि सबको कह दिया गया था कि प्लीज़ सब लोग आ जाइए। तो यहाँ पे ये मेरे मौसी की लड़की है जो ग्रीन में आ रही है, सामने से शिवानी इसका नाम है। और यहाँ पे सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और इंजॉय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग हल्दी लगाने के लिए जाते हैं तो लेडीज़ जो होती हैं ना, वो उन्हें थोड़ा छेड़ती हैं और थोड़ा सा कुछ लगा देती हैं, परेशान करती हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे मेरे पापा जो हैं वो सबसे पहले गए हैं हल्दी लगाने के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं तो वो हल्दी लगाने के लिए गए हैं। यहाँ पे ब्लू कलर में मेरी मामी थी, वो दौड़ के कहीं गई हैं, यानी कि वो कुछ लेके आने के लिए गई हैं, यानी कि जो लोग जैसा कि मैंने बताया कि हल्दी लगाएंगे तो उन्हें परेशान करेंगे, तो वो कुछ लेके आएंगी, जैसे दही या फिर कुछ भी, और इन लोगों के फेस पे या फिर इन लोगों को कुछ लगा देंगी, या कलर कुछ भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मेरे पापा हैं, तो पापा यहाँ पे हल्दी लगा रहे हैं, भाई को चढ़ा रहे हैं, जैसे कि बताया मैंने, जैसे लड़की को लग रही थी कि पांच बार लगाना होता है, उसके बाद से सबसे पहले नीचे में, फिर घुटनों पे, फिर उसके बाद ऊपर कंधे पे, उसके बाद सर पे, वहाँ पे छोड़ देना होता है। तो इस तरह से ये हल्दी लगती है, इस तरह से चलती है। तो काफ़ी लोगों को पता होता है, यहाँ पर आ चुकी है मेरी मामी, मैंने कहा था ना कि ये कुछ करने वाली हैं, तो इन्होंने पापा को शायद पता नहीं दही या आटा कुछ लगाया हुआ है, मेरे ख्याल से ये आटा है क्योंकि झड़ रहा है ये, तो वो आटा लेके आई हैं और यहाँ पे उन्होंने लगा दिया है। और यहाँ पर छोटा बाबू भी बैठा हुआ है, यहाँ पर मैं हूँ, और पीछे में आप देख सकते हैं कि सब लोग वहाँ पे लोकगीत भी गा रहे हैं और बैठ खड़े हुए हैं।
और यहाँ पे नीचे में भाई है, वहाँ साथ में बाबू बैठा हुआ है, बाबू भी काफ़ी इंजॉय कर रहा है। मुझे लगता है कि जो भी आटे वटे जो लग रहे हैं ना, वो उसके ऊपर भी जाने वाले हैं, उसके भी ड्रेसेस पे जाने वाले हैं, बस आइज़ में ना जाए। तो मैं यहाँ पे उसी को देख रही थी कि वो ठीक से बैठा तो हुआ है। फिर यहाँ पे सिस्टर आ गई है, कुछ कहा उसने, पर यहाँ पे पीछे देखिए स्पर्श बैठा हुआ है। स्पर्श तो बिल्कुल आराम से बैठ गया है, इसलिए आराम से बैठ गया है क्योंकि वो बहुत सुबह में जग गया था, मॉर्निंग में ही, और उस टाइम पे वो मटकोर में भी गया था। और यहाँ पापा के शरीर में जो भी आटे वाटे लगे हुए हैं वो झाड़ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग भी लगा दें क्या, थोड़ा सा हम लोग भी इंजॉय कर ले क्या। तो यहाँ पे सब ने हंस दिया है, हंसी आ गई है सबको इस तरह से। और स्पर्श बिल्कुल बैठ के देख रहा है, इसलिए देख रहा है क्योंकि उसे, मुझे लगता है कि थोड़ी नींद सी आ रही है, या फिर उसने बात नहीं किया था ना इस टाइम तक, तो इसलिए, क्योंकि टाइम ही नहीं है बिल्कुल बच्चों के लिए कि हम कुछ करा पाएँ या उसके ड्रेसेस चेंज करा पाएँ, तो इस तरह से। और यहाँ पंडित जी भी जब पापा को आटा लगा तो वहाँ से निकल लिए थे। और यहाँ मौसा जी गए हैं, मौसा जी को मामी ने दोनों गाल में लगाया है, मुझे लगता है इनको ज़्यादा लगाने वाली हैं। उसके बाद मौसा जी को दोबारा तिबारा भी लग रहा है, यहाँ पे फिर से लगा है आटा। और यहाँ बाबू भी बैठा हुआ है नीचे में, और हल्दी चढ़ी और आटा लग रहा है। तो वो मामी जो है बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली हैं और काफ़ी इंजॉय करती है। फिर उधर से जाके वो फिर से लगा रही हैं, यहाँ भी फिर से लगा रही हैं, फिर से लगा के भाग रही हैं इधर, और पूछ रही हैं जाके उधर से कि और भी खाना है आटे आपको, ऐसे पूछ रही हैं। देखिए फिर से उन्होंने लगाया, तो ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं, सब देख के हंस रहे हैं। बाकी लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन जो कैपेसिटी होती है लगाने की, या फिर जिनको इंजॉय करना होता है वही करते हैं, सब लोग एक चीज़ नहीं कर पाते हैं, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो वो मौसा जी चले आए हैं। फिर ये हैं मेरे बड़े मामा जी, तो बड़े मामा जी जा रहे हैं, तो ये हल्दी चढ़ाएंगे। तो बड़े मामा जी जो होते हैं, ये इमली घोटाई की जो रस्म होती है ना, उसमें भी ये मामा लोग ही कराते हैं इमली घोटाई की रस्म। तो इसके बाद से वो भी होने वाला है, मैं सारे फुटेज आपके सामने शेयर करूँगी। और जो भी वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि लेट पोस्ट आ रहा है, लेकिन आप समझिए कि थोड़ा सा इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था ना कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि इतना बिजी शेड्यूल, और मेरे पास एक छोटा सा बेबी भी है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम बहुत कम मिल पाता है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट पोस्ट आ रहा है। पर आपके पास सारी वीडियोज़ जा रहे हैं, सो आप सारी वीडियोज़ को देखिए। यहाँ पर मेरे मौसा जी खड़े हैं जिनके मुंह में लग चुका है आटा, तो वो तावल का वेट कर रहे हैं कि तावल आएगा तो मैं साफ़ करूँगा। और मेरी मौसी थोड़ा सा उसको झाड़ साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा कितना प्यार है जो आप मौसा जी के जो लगा हुआ है वो साफ़ कर रहे हो। तो सब लोग हंस रहे थे वहाँ पे। और मेरे मामा जी ने हल्दी चढ़ा ली है, उसके बाद ये मेरे हस्बैंड हैं, तो इन्होंने हल्दी चढ़ा ली है। अब यहाँ से ये निकल रही है, मैंने भी पूरा उसके बाद ये हैं मेरे सिस्टर के हस्बैंड यानी मेरे, तो ये यहाँ पे थोड़ी सा इंजॉय कर रहा है। मेरा भाई जो है वो थोड़ा सा बाबू के साथ इंजॉय कर रहा है, उसे खिला रहा है बीच में, क्योंकि उसके साथ ही वो बैठा हुआ था। और यहाँ पे आ गए हैं मेरे बहनोई यानी कि परी के मौसा जी आ चुके हैं यहाँ पे, और वो हल्दी चढ़ाएंगे अब यहाँ पे। तो ये सीधे सर पे चढ़ा रहे थे, लेकिन उनको मामी यहाँ पे इनको भी लगा चुकी हैं, यानी कि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है, सारे लोगों को लग चुकी है ये आटे वाली जो रस्म है ना, तो ये आटे सबको लग चुके हैं। और वहाँ पे हंस रही हैं पीछे खड़ी होकर। यहाँ मेरी मौसी अच्छे से साफ़ कर रही थी अपने हस्बैंड के जो आटे लगे हुए थे। और यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं हल्दी लगाने के लिए, क्योंकि एक एक करके हल्दी लग चुकी है, अब सारी लेडीज़ लगाएंगी, तो सब लोग यहाँ पे हल्दी लगा रही हैं। तो मैं भी यहाँ पर अब जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है वहाँ पे, तो मैं अब जाने की तैयारी कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि कैमरा किसको दूँ, तो वहाँ पे किसी को पकड़ा के मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, तो उसके बाद से मैं जा रही हूँ वहाँ पे। और बाबू भी वहाँ पे था, तो बाबू को भी देखना है थोड़ा सा, क्योंकि अब वो परेशान हो रहा है, उसे भी भूख लगने वाली है अब, तो उसको भी देखना है। फिर मैं यहाँ पर चली गई हूँ, तो देखिए बाबू रो रहा है थोड़ा सा, लेकिन मैंने किसी को पकड़ाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि किसको पकड़ाऊँ मैं, किसको दूँ। तो यहाँ पर भाभी खड़ी हैं, भाभी भी थोड़ा सा संभाल लेती हैं बाबू को, मम्मी भी, बड़ी मम्मी है वो भी संभाल लेती हैं बाबू को थोड़ा सा। तो मैं किसी को दूंगी फिर ऐसे ही करके। मेरा देखिए भाभी को मैंने दे दिया है, और भाभी के पास भी रो रहा है लेकिन मान जाएगा। फिर मैं आ गई हूँ भाई को हल्दी लगाने के लिए, सब लोग लगा रहे थे उस टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि बाबू रो रहा था। तो मैं फिर यहाँ पर आई हूँ लगाने के लिए हल्दी, और हल्दी लगाने टाइम इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था ना, इतनी अच्छी लग रही थी मुझे कि मैं क्या कहूँ, भाई की हल्दी, भाई की शादी, अजीब सी एक फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो उसी टाइप की मुझे फीलिंग आ रही थी, तो मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे ये है मेरी एक और मामी जो कि येलो साड़ी में है, सबने मस्टर्ड लगभग पहना हुआ है। उसके बाद हल्दी के बाद यहाँ पे आ गए हैं हम लोग टेंपल के पास, अपने घर में पूजा के पास आ गए हैं। यहाँ पे कुछ पूजा हो रहा है, क्योंकि उसके बाद जस्ट बाद ये पूजा की रस्में होती हैं जिसमें घर के लोग शामिल होते हैं। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी है और मम्मी है, भाई बीच में बैठा हुआ है वहाँ पे,
और यहाँ पे भाभियाँ हैं हमारी और यहाँ पर कजन सिस्टर भी हैं। मैं आ गई हूँ बालकनी में, बालकनी से नीचे मैं देख रही थी तो यहाँ पर डाला वाली आई हुई है। इमली घुटाई के टाइम पे ये सर पे रखा जाता है, यानी कि मम्मी सर पे रखेंगी। इनकी कुछ डिमांड है, वैसे तो इनके कपड़े और पैसे दिए जा चुके हैं लेकिन कुछ डिमांड एक्स्ट्रा। तो ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ब्लॉग में भी बहुत कुछ बाकी है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बहुत सारा डांस और पार्टी कुछ भी शेयर करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखिए। और ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।